हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल टीचर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे एक नया सिम ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर करने के लिए आपको उसमें एक रुपये का भी चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल नंबर चाहिए, जैसे 786-111-999, या अपना कोई मनपसंद नंबर चाहिए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे उसमें से सेलेक्ट करने के बाद, तो उसके लिए आपको फिर कुछ चार्ज देना होगा। क्या चार्ज लगेगा ये भी मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखा। तो ये जो नंबर है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपको घर बैठे मिल जाएगा, ये नंबर है वोडाफोन आइडिया का, जो मर्ज होके कंपनी अब वीआई हो गई है। इसी का सिम आपको घर बैठे फ्री मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास पहले से एक वोडाफोन या आइडिया का सिम होना चाहिए। अगर आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड किसी के पास भी ये नंबर है तो वो लोग भी आपके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहले एक सिम हो उसके बाद आप अपने लिए ही दूसरा एक सिम ऑर्डर करें। तो आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड्स हो, अगर आपको फ्री सिम चाहिए तो आप उससे कह सकते हैं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इस ऐप में लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद कैसे आपको फ्री सिम के लिए ऑर्डर करना है, या फिर अगर आप कोई अच्छा नंबर या स्पेशल नंबर चाहते हैं तो उसके लिए क्या अमाउंट आपको पे करना होगा। तो फ्री में ऑर्डर करने के लिए आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे वीआई के मैंने ऐप डाउनलोड कर ली है, अब जो कि पहले वोडाफोन और आइडिया हुआ करता था और मर्ज होकर अब वीआई हो गया है। तो आपको ऑर्डर करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप एक पहले से आइडिया या वोडाफोन यूज़र है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप खुद से कर सकते हैं, वरना आपको किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव से कहना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वोडाफोन आइडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर एक ओटीपी भेजी जाएगी और ऑटो डिटेक्ट होने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो देखिए ओटीपी आप रिसीव हुई है, लेकिन मैं पहले ही लॉगिन हो गया हूँ। नीचे ऑप्शन आएगा स्किप और नेक्स्ट का, तो आप स्किप या नेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए आपके पैकेज का और टॉक वैल्यू और ये सब चीज़ें दिखाता है, तो उसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। इस तरह से एड्स भी आते रहते हैं, तो आपको स्किप करना होगा, ऊपर क्रॉस का बटन है, कट कर देंगे। तो अब बात करेंगे नए सिम ऑर्डर करने की। फीचर्स तो इस ऐप में बहुत हैं, लेकिन उसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा। नए सिम को ऑर्डर करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए टैब्स चल रहे हैं, इसी टैब्स में आपको बताया है नया सिम ऑर्डर करने का। और देखिए इसके ऊपर जो लाइन है रिचार्ज फॉर अदर, ऑर्डर न्यू सिम और लाइव टीवी, तो ये ऑर्डर न्यू सिम का जो ऑप्शन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और देखिए नीचे ये टैब है फ्री सिम डिलीवरी एट योर डोरस्टेप ऑर्डर ऑनलाइन, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से स्क्रीन आएगी, लोड होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो सेकंड का लोड हो गया। आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको सिम के लिए, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, आप पोस्टपेड सिम लेना चाहते हैं या प्रीपेड सिम लेना चाहते हैं। तो आप जिस भी तरह का सिम लेना चाहते हैं आप उस पर टिक कर देंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से चेंज हो जाएगा लोड होने के बाद। उसके बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं पैकेज हैं, सिम आपको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन ये जो पैकेज चल रहे हैं इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप मोबाइल में, मतलब अपने सिम में क्या रिचार्ज कराना चाहते हैं। जिस तरह से आप एक दुकान से सिम लेते हैं लेकिन उसमें मिनिमम बैलेंस कराना होता है जिसके थ्रू आप बाद में बात कर सकते हैं या फिर नेट चला सकते हैं, उसी तरह से ये भी पैकेज है। तो सिम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन देखिए ये मंथली पैकेज हैं सारे, तो आपको जो पैकेज अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये पैकेज सेलेक्ट कर लेता हूँ 297 का और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पैकेज को ऊपर बताया गया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप शो ऑल पैकेज करके चेंज भी कर सकते हैं। अगर अपने पैकेज की डिटेल चाहिए तो जो डार्क कलर में डिटेल्स का लिखा हुआ है ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पैकेज की डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपकी जो फ्री सिम है आप कहाँ पर मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंटर योर डिलीवरी पिन कोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे, तो अगर आपके जो पिन कोड है उस पर डिलीवरेबल होगा सिम तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना अलर्ट आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए मैंने एक पिन डाला, अब चेक करते हैं, देखिए यह अलर्ट आ गया, सॉरी द पिन कोड इज़ नॉट सर्विसेबल। तो दूसरा पिन कोड डालना होगा। इस तरह से आपको भी अगर यहाँ डिलीवरेबल अवेलेबल होगी तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा ग्रेट वी डिलीवर एट योर डोरस्टेप। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर लिखना होगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर अब आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ये सिर्फ कंसर्न करने के लिए होता है, जो डिलीवरी मैन आपका सिम लेके आएगा वो आपको कॉल करके कंसर्न कर ले आपके एड्रेस के लिए। लेकिन अगर आपको कोई आपका सिम खो गया था या टूट गया था वोडाफोन आइडिया का और आप वही सिम चाहते हैं तो आप वही नंबर यहाँ पर डालिएगा जो सिम आप दोबारा से अपना मंगाना चाहते हैं। तो मतलब यहाँ पर दो तरह की सर्विस है, या तो आप नया सिम ऑर्डर कर सकते हैं और या तो पुराने सिम को ही आप दोबारा से मंगवा सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए सेलेक्ट अ नंबर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आई वॉन्ट नंबर ऑफ माई चॉइस का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप नया नंबर चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग नंबर, तो यहाँ से आप अपने ही नंबर को दोबारा से मंगवा सकते हैं। मतलब अगर आपका सिम बंद था या फिर टूट गया है या फिर कहीं रखा हुआ था आपको मिल नहीं रहा, तो आप इस तरह से अपने ही सिम को दोबारा से मंगवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आइडिया या वोडाफोन का नंबर ही डालना होगा। तो यहाँ पर मैं नया नंबर चूज़ करता हूँ, आई वॉन्ट नंबर ऑफ माई चॉइस पर क्लिक करेंगे, पहले वाले पर थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए अब यहाँ पे नंबर ओपन हो गए हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब जो नंबर वीआईपी थे लोगों ने ज़्यादातर वो सेलेक्ट कर लेते हैं पहले ही। अगर अब आपको इसी में से चॉइस करना होगा कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ इस टाइम 16 नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस इतने ही नंबर अवेलेबल हैं। अब देखिए यहाँ जैसे 786 का कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ इंटर मिनिमम 3 डिजिट्स, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं 786 करके यहाँ सर्च करूँगा तो 786 के हिसाब से भी नंबर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो आप ये देख सकते हैं जितने भी नंबर यहाँ खुल के आए हैं सब में 786 लगा हुआ है, किसी में स्टार्टिंग में है, किसी में बीच में है। इसी तरह से अभी देखिए मैं अब आपको सर्च करके दिखाता हूँ 111, तो देखिए मैंने 11 सर्च करा। अब यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने नंबर आएंगे सब में 111 ज़रूर होगा। तो देखिए जितने भी नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं सब में 111 है, और ये सारे सिम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन कुछ सिम होते हैं जो कि पेड होते हैं, लेकिन अभी उसके ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, या फिर 007 का चेक कर लेते हैं कि देखते हैं ये अवेलेबिलिटी इसकी है कि नहीं है। तो देखिए इसमें अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको जो नंबर है आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए सबसे पहला जो नंबर आ रहा है मैंने उस पर टिक कर दिया, तो देखिए ये नंबर सेलेक्टेड हो गया। अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब डिलीवरी डिटेल्स है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी डिटेल्स में आपको नाम डालना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फुल नेम लिख देते हैं आपका, जो फुल नेम होगा आप लिख देंगे। उसके बाद बिल्डिंग का नेम होगा या स्ट्रीट का नेम अगर आपकी है, जो मेन रोड है आप उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ फ्लैट और हाउस नंबर है अगर आपका है तो आप लिख देंगे, वरना उसको जीरो करके लिख देंगे। यहाँ पे मैंने फुल नेम लिख दिया है, स्ट्रीट का नेम लिख दिया है, और यहाँ फ्लैट का नंबर लिख दिया है। फ्लैट का नंबर लिखने के बाद देखिए प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए लोड हो रहा है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 297 का पैकेज जो मैंने लिया था, सिर्फ मुझे उसका पेमेंट करना है, और सिम का मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आप ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आपके ये वीआई में वॉलेट बैलेंस है तो आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा बहुत ही सिंपल जो रहेगा वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे, CVV डालेंगे और प्रोसीड टू पे कर देंगे। तो इस तरह से आपका नंबर के लिए बुक हो जाएगा। उसके बाद ये जो सिम है आपको विद इन अ वीक के अंदर आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। और आप अपना ऑर्डर देखने के लिए आप ये देख सकते हैं माय अकाउंट का ऑप्शन सबसे नीचे दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और ये मोर सर्विस का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन पे अभी नो सर्विस रिक्वेस्ट आ रही है, नो रिक्वेस्ट फ्रॉम यू आ रही है। जब आप ऑर्डर कर सकते हैं तो जितनी भी आपकी कंप्लेंट या सर्विस रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ पे शो होके आने लग जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप चाहे आप पोस्टपेड के लिए करें चाहे प्रीपेड के लिए करें, दोनों का प्रोसेस सेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।